पर यार तू क्यों परेशान हो रहा है यार? तेरी तो शादी तनु के साथ हो रही है, दिस गाय सीम्स टू बी अ नाइस गाय, और अगर प्रज्ञा इससे खुश है तो प्रॉब्लम क्या है? अरे निखिल, तू जो सोच रहा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो थोड़ा अलग, वो अलग इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत अलग है, और जो अलग होते हैं ना उनसे अलग अलग रहना ही अच्छा होता है। ये छोड़ना, तू नहीं समझे, तू जा, हम शाम को मिलते हैं। आज रात काम आसान होने वाला है, अभी घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो अब ये वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। अरे बच्चे दे दो ना, मुझे दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें शोभा नहीं देता। दादी ठीक कह रही, ये चंपा खुद को स्मार्ट समझता तो है पर है नहीं। जो बच्चों से परेशान हो रहा हो वो किसी और को क्या परेशान करेगा? तनु और निखिल को एक्सपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, वो भी आज ही रात को। आज की रात कयामत की रात। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तैयारी की नहीं है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बुला लो सबको। Guys, everyone, lunch is ready. Quickly come down by the table. All right. अभी पूरा कैसा है यार? यार एक बात बता, हम सब तो आए गए पर वो तेरा स्पेशल गेस्ट कहाँ है जिससे मिलवाने वाला था? वो दिख नहीं रहा था। अरे वो घर देख रहा होगा, आता ही होगा। तू बैठ ना, सिट नेक्स्ट टू मी, बैठ बैठ। एक मिनट, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे क्यों नहीं बैठ सकता? चेयर में खटमल है या कोई कील निकली हुई है जो चुभ जाएगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कुर्सी उठाकर बाहर ना फेंक देती। Exactly. मैं चंपकली को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, वो यहाँ बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? ए? इसका नाम लिखा हुआ है कुर्सी पे। अरे इतनी सारी कुर्सी है, कहीं पर भी बैठ जाएगा। कहीं पर तो कोई भी बैठ सकता, लेकिन चंपक जी स्पेशल है, और वास्तु के हिसाब से जो स्पेशल होता है वो ईस्ट फेसिंग कुर्सी पर ही बैठ कर खाना खाता है। आप कहीं भी बैठे। क्या कर रहे तू? छोड़ ना, तो काम कर, तू कहीं और बैठ जा। इनफैक्ट काम कर, तू मेरे साथ बैठ। चल चल साथ में बैठे, चल ना बैठ। यार इसके लिए मैं हर रोज जगह बदलता था, वो कभी नोटिस नहीं किया। ये चंपक को बड़ा नोटिस कर रही है। तू ठीक कह रही, पर एक बात बता, तू इसके लिए रोज जगह क्यों बदलता था? तू रोज अलग अलग जगह पे बैठता था। हाँ यार, ताकि खाते वक्त मुझे ये दिख जाए। यार अभी तो तू तो बड़ा कमाल का लवर निकला। इसे ये तो अलग लेवल का लवर है यार, मैं तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था लेकिन यहाँ पर इसे VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। अरे रॉबिन, सब आ गए, अब सबको खाना परोसो। एक को छोड़ के चंपक जी के लिए जो स्पेशल खाना बनाए वो लेकर आओ। रॉबिन, इसके लिए स्पेशल खाना बना। प्रज्ञा जी आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी इच्छा अनुसार खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। आप पहली बार मेरे घर आए तो आपकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आपको खुशी मिलेगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। प्रज्ञा को क्या हो गया? ये चंपक के साथ इतना स्पेशल और इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही है? तनु, ये क्या कर रही हो? खाना खुद खा रही हो या टेबल को खिला रही हो? सॉरी दादी। होता है बेटा, होता है। ध्यान कहीं और हो तो गलती हो ही जाती है ना बेटा। अरे ये देखिए, आपके लिए स्पेशली 4 किस्म के जूस। इसके लिए इतने तरह के जूसेस, और हमारे लिए क्या? वही पनीर पसंदा, छोले और चावल का खीर। तुझे तो ये सारा खाना पसंद है ना, ये तो तेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है नहीं, था। अरे इतने सारे अच्छे अच्छे जूसेस आए, पता नहीं खाने में क्या आएगा। और ये सब्जियाँ, और ये बैंगन का भरता, बेक भिंडी,
की सब्जी मैं खुद अपने हाथों से परोसती। परंतु प्रज्ञा जी मैं तो प्रज्ञा जी नहीं, आप मुझे प्रज्ञा जी नहीं कहेंगे। आपका इस घर में बड़ा होता है तो कोई आपको दी और कोई आपको मैडम बोलता है तो मैं आपको प्रज्ञा जी ही बोलूंगा। कोई मुझे कुछ भी बुलाए लेकिन आप मुझे जी नहीं कहेंगे, आप मुझे प्रज्ञा ही कहिए। ये करेले का जूस मंगवा तो लिया पर अब इसे पियो कैसे? एक काम करता हूँ, एक घूंट में पी जाता हूँ। यार ये सूंघने में इतना कड़वा है, पीने में कैसा होगा? पर पीना तो पड़ेगा ही ना, नहीं पिया तो उस चंपक की चंपाकली के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैं कड़वी चीजें नहीं पी सकता? Come on अभी, you can do it, drink it, come on, come on, come on अभी। अभी क्या कर रहे हो तुम? वो करेले और नीम का जूस पी रहा हूँ। तुम्हें तो कड़वी चीजें पसंद है ना, फिर कैसे पी रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं प्रज्ञा ने कहा कि ये सब पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसे पीने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, साफ हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और तो और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले तो अपनी सेहत का कभी इतना ख्याल नहीं रखा, आज उस प्रज्ञा ने कह दिया तो। नहीं नहीं, प्रज्ञा के कहने पर थोड़ी कर रहा हूँ, वो इतना सारा जूस बच गया था तो मैं सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं पी जाता हूँ ना, इसलिए पी रहा हूँ। कम ऑन अभी, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, You have to do it. Yes, do it. ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वा है। वो चंपा किसे कैसे पी गया? वो प्रज्ञा ने अपने हाथों से पिलाया था ना, इसलिए जहर से भी कड़वा जूस उसे शहद जैसे लगा होगा। अभी उस प्रज्ञा से इतना प्यार करता है कि जो चीज इसे बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी पी रहा है। वो प्रज्ञा उस चंपक को टॉर्चर करने के लिए पिला रही थी और ये अभी उस चंपक को डाउन करने के लिए ये सब कुछ पी रहा है। गॉड, इस चंपक को यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं कर दी? ना बोलो। मैं क्या बोलूं, उस प्रज्ञा ने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या किया उस? क्या क्या नहीं किया वो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा करती क्या, ऐसा क्या जादू चलाती है अभी उसके पीछे भागने लगता है। कल तक उसकी कमियां निकाल रहा तो आज उसी को इंप्रेस करने में लगा हुआ है। तुम सीधे सीधे बताओगी किया क्या उसने? क्या क्या नहीं किया? एक तो उस चंपक को प्रज्ञा ने टॉर्चर करके रखा हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि चंपक कहीं सबको छोड़ छाड़ के भाग न जाए। टॉर्चर कर रही है? हाँ, लंच में उसे इतनी कड़वी कड़वी सब्जियाँ खिलाई और इतने कड़वे जूसेस पिलाए, अदरक के, पालक के, मेथी के, करेले के, मिर्ची के, पता नहीं कौन से। उसकी बेचारे की हालत खराब हो गई, तो मुझे डर लग रहा है ये सब कुछ देखे वो भाग न जाए। और ऊपर से अभी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो चंपक से बेटर है। निखिल, कहीं हमने चंपक को यहाँ पे बुला के गलती तो नहीं की ना? Shut up, तनु, और for heaven's sake, तुम कुछ मत बोलो। प्रज्ञा को जो भी करना है उसे करने दो, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसे करेले का जूस पिलाना है पिलाने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? उसे पत्थर देना है पत्थर पिलाने दो। तुम सिर्फ तुम्हें जो कहा गया है उस पर फोकस करो, इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर विद यू? ऐसी छोटी मोटी जीत जो है ना, अगर प्रज्ञा को उसे खुशी मिल रही है, लेट हर एंजॉय। मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो चीज उसे पिलानी है, उस पर फोकस करो तनु, फॉर हेवन्स सेक। एक बार वो चीज तुमने प्रज्ञा को दी और उसके बाद उस चंपू ने उसे हाथ तक लगाया ना, बस उसके बाद प्रज्ञा खुद टूट पड़ेगी उस पर। और फिर क्या है? अभी एक बार अगर उसे एक साथ देख ले फिर तुम ही सोचो तनु क्या होगा। तुम सोच सकती हो ना? शाम को आ रहा हूं वहां पर, तब तक सिर्फ वो ड्रिंक पिला देना उसको, ओके? निखिल, तुम मेरी पूरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूं। तनु, मुझे मुझे बहुत काम पड़ा है, प्लीज डोंट बॉदर मी, इतना करो मेरे लिए प्लीज, ओके? मैं रख रहा हूं। अरे सुनो तो सही, हेलो Idiot! उसने तो बताया ही नहीं कि वो प्रज्ञा को चीज कैसे पिलाऊं। मतलब अब ये भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।